नीला इज लिविंग द लाइफ। ब्यूटीफुल है ये स्टे। अभी अच्छे से हम लोग सो के शाम के टाइम निकल रहे हैं, देखते हैं कौन से नियरेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस देख सकते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली एक शिव टेम्पल है। यहाँ पे पूरा लाइटिंग जो किया हुआ है वो त्रिशूल का है। तो हम लोग अभी निकले हैं एंड वी आर प्लानिंग टू गो फर्स्ट टू द पांडिचेरी बीच, जो प्रोमिनेंट बीच के नाम से भी जाना जाता है। So we'll go there and let's see after that where we hop. ये जो buses और truck है somehow you know we keep on traveling right, but especially Tamil Nadu Pondicherry area में I see the big buses trucks बहुत aggressively चलाते हैं। एक तो रास्ता narrow है, उतनी wide है नहीं, उसके ऊपर they will keep on honking and they will keep on you know ओवरटेक लेफ्ट राइट। एक लेन रूल्स रहती है वो नहीं फॉलो कर रहा है। अगर से फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द लेन वेयर देर आर वाइट मार्कर्स राइट विच हैज़ बीन केप्ट, कभी लेफ्ट कभी राइट। अगर सिंगल लेन्स है दे विल नॉट इवन फॉलो दिस, दे विल इमीडिएटली कम टू द लेफ्ट। और ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। तो हॉन्क करके लोगों को परेशान करना, हाँ भाई उन लोगों को निकलना है आगे, उनको जल्दी आगे निकलना है। यू नो वी फील थोड़ा सा एग्रेसिव है ड्राइविंग, वो तो डेफिनेटली है एग्रेसिव ड्राइविंग। तो दिस इज़ द रॉक बीच, इसको प्रोमिनेंट बीच और इसको पांडिचेरी बीच भी कहा जाता है। इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ 1.2 किलोमीटर्स। इसकी ब्यूटी है ये रॉक सारे। तो देखिए दूर आपको प्रोमिनेंट भी दिखेगा, वो जो लाइट्स दिख रहे हैं वो लाइट्स है जो हाँ। वो है प्रोमिनेंट। तो हम लोगों ने क्या किया, पार्किंग के लिए वी हैव टेकन द अदर साइड ऑफ द बीच और वहाँ पे अच्छा खासा पार्किंग मिल गया और वहाँ से हम लोग We have come here and यहाँ से हम लोग चल के वहाँ तक जाएंगे। It's a beautiful time. यहाँ पे लोग खेलने के लिए, strolling के लिए, people come here and enjoy their evening out here. Sunrise और sunset beautiful है यहाँ का। So अगर आप सुबह सुबह उठ सकते हैं तो आके ज़रूर यहाँ का sunrise देखिए and also the gorgeous sunset. मैं ज़्यादा बात तो नहीं करना चाहती यहाँ पे। It's a place to really relax, enjoy the serenity of it around. सवेरे आ जाइए, इसका नज़ारा और भी सुंदर होगा। और अभी क्या है, कूल ब्रीज ब्लो हो रहा है नीला और हम तो एकदम जन्नत में है। एग्जैक्टली, इसका नज़ारा और भी सुंदर होगा। और अभी क्या है, कूल ब्रीज ब्लो हो रहा है नीला और हम तो एकदम जन्नत में है। एग्जैक्टली, hey guys, हम लोग बहुत enjoy कर रहे हैं यहाँ की सीरेन ब्यूटी। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। पांडिचेरी एक तरफ से घिरा हुआ है बे ऑफ बंगाल से और बाकी के तीनों ओर ऑब्वियसली इज अराउंड तमिलनाडु। तो ब्यूटीफुल है बे ऑफ बंगाल, लहरें देखिए इसके कोई शांत नहीं है। इट्स अ ऑसम ऑसम व्यू। अभी क्या ड्राइविंग के बाद सुस्ती छाई हुई थी, ये इधर का हवा खा के एकदम मस्त फ्रेश हो गए, पूरा एकदम से फ्रेश है, मस्त फ्रेश हो गए। अभी क्या है, हम दोनों एकदम रॉक बीच के पास बैठ के मस्त पॉपकॉर्न खरीद लिए और पॉपकॉर्न का आनंद उठा रहे हैं। इस तरफ से मनमन सी हवा आ रही है, क्या मजा आ रहा है। एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया लग रहा है। ये जो हवा है ना, पूरे दिन की 8-9 घंटे की ट्रैवल पूरा चला गया, थकान दूर कर दी भाई साहब।
और ये देखिए प्रोमिनेट बीच का फ्रंट व्यू। और ये जो हम लोग उस शोर में थे वहां से, दिस इज वेयर वी आर। और सामने एक छोटा सा पार्क भी बनाया है। लुक एट द व्यू, इट्स सो गॉर्जियस टुवर्ड्स दिस सी शोर। काफी सारे रेस्टोरेंट्स, पब्स, बार्स रहेंगे फॉर योर फूड एंड ईटरीज। और इस तरह इज द सी। पूरे पांडिचेरी में आपको जगह जगह ऐसे आर्ट्स मिल जाएंगे। जस्ट लुक एट इट, इट्स गिव सच अ ब्यूटीफुल फ्रेंच ऑरा ऑल ओवर। फर्स्ट आइटम आ गया है। ये हम लोगों ने जो ऑर्डर किया है ये है चिकन मशरूम थिक सूप। देखिए कितना प्लेन लग रहा है, ओके। और उसके साथ गार्लिक ब्रेड। सूप का स्वाद जो है बहुत ही लाइट और माइल्ड है, लेकिन पूरा क्रीम की खुशबू आ रही है। इस आइटम का नाम है पेस्टो चिकन पिज़्ज़ा और ये पूरी तरह से वुड फ्राइड है। आप देख सकते हो इधर की खासियत है ये। पिज़्ज़ाज आर सपोज्ड टू बी स्टेट ऑफ द आर्ट। चलिए चखे बताते हैं। दिखाओ नीला कितना ब्यूटीफुल टॉपिंग्स है। देखिए यू कैन सी इट, लवली। स्वाद कैसा है नीला बताओ। इट्स डिफरेंट इज इट। वेरी नाइस। And this is our chicken satay with peanut chutney. How beautiful it is presented. Let's see, the beauty of this satay is in its peanut sauce. If you notice, see how thick the peanut sauce is, right? This peanut sauce is not a simple peanut sauce, right? It has a little bit of extra virgin olive oil inside and it's loaded with cheese. So that kind of gives it a thicky texture, right, that you can have even after the satay is finished. You will end up eating or drinking the sauce completely, right? So you can see. Yeah, yeah, you can see. So this is part of the satay that I had, sauce that was there, right? So see, you can see how thick the texture is. These are crepes. Crepes. This is la parfait, which means the perfect, right? It is made of Nutella, banana, ice cream and caramel syrup दिख रहा होगा आपको ऊपर, right? ये पूरा caramel syrup है। Let me take a small bite and quickly tell you how it tastes. Jannat. People who have a sweet tooth must recommend. You guys should have La Parfait. It is indeed like its name, perfect. इधर के स्वीट डिशेज भी बहुत अच्छे लगे मुझे, वेरी नाइस। देखिए इतने सारे स्टेप्स
है, इफ यू हैव अ नी प्रॉब्लम यू माइट वॉन्ट टू स्किप कमिंग टू दिस प्लेस. हमारा डे वन पूरा कंप्लीट हो गया था. बहुत ही अच्छा था आज का डे वन, इवेंटफुल था. तो हम लोग तो आए यहाँ पे एटलीस्ट 8-9 आवर्स हम लोग को लग गया. उसके बाद वी टुक नाइस फूड एंड हैड रेस्ट. आप लोगों को दिखा भी दिए लंच कहाँ पे किए. एंड देन इवनिंग को हम लोग निकले. वी हैव सीन प्रोमिनेंट बीच जो पौंडीचेरी बीच से भी जाना जाता है. इसके अलावा वी ऑल्सो हैड food our dinner in a beautiful Italian restaurant. So once that is done, on the way we pick some parcel agar raat ko bhook lag gayi isliye, especially that is for Joy. And uske baad hum log seedha wapas aa gaye. Itna khoobsurat dikh raha hai pura ye resort in the night with the lights on. Jagah jagah pe sitting arrangements kiya hai. Bahut hi beautiful hai. Log abhi bhi aa rahe hain. Because it's a long holiday, of course people are coming for 2 days, 3 days trip. And as I said, the 2-2.5 days trip is enough. Hum log day one mein already start kar diya. It was a slow start for us. We wanted to relax as much as possible so that hum log ekdam fresh hoke day two pure din cover kar paaye. So aaj ke liye थैंक यू सो मच. मिलते हैं कल. बाय. आप लोगों को अगर हमारा कंटेंट पसंद आया तो याद से प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. आप लोग कंटेंट देखते हो लेकिन सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हो, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो. तो उससे क्या हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगी और हम लोग मोर इंटरेस्टिंग जगह पर जाके आप लोगों को दिखा सकते हैं. तो यहाँ तक इतना ही. चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं कल. बाय.